20 पे यहाँ पर है, तो 20 से ऐसे ऐसे से जाएगा 50 तक, तो योर ग्राफ गोज अप कि तेरी कमाने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी. बट आफ्टर 50, लेट्स से यू लिव टिल 90 बिकॉज दैट्स द एवरेज ह्यूमन एज राइट नाउ, तो 50 टू 90 योर इनकम कैपेसिटी विल जस्ट गो डाउन. सो व्हाट डू यू नीड टू डू? So your money graph or skill graph goes like this. Let's say you're 20, right? You're 25, मान ले. 20 मान ले आजकल 20 में सारे. So 20 to 50, जैसे तू 20 पे यहाँ पर है, तो 20 से ऐसे ऐसे से जाएगा 50 तक. तो योर ग्राफ गोज अप कि तेरी कमाने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी. बट आफ्टर 50, लेट्स से यू लिव टिल 90 बिकॉज दैट्स द एवरेज ह्यूमन एज राइट नाउ. तो 50 टू 90 योर इनकम कैपेसिटी विल जस्ट गो डाउन. So what do you need to do? Ready होके आ जाओ, इंसान बन के आ जाओ. 20 minutes later. ये अब तू जिएगा 90 तक, right? So what happens is you start making money here. You grow, तेरा पैसा रुकते गुड़ ग्रो होता है, ग्रो होता है, ग्रो होता है. तू 50 तक जाता है, तू सेम चीज अगर करते जाएगा, मेहनत से करते जाएगा, योर एनर्जी, योर एक्सपीरियंस, योर टाइम, योर एक्सपर्टीज, एवरीथिंग विल कीप ग्रोइंग एंड यू मेक मोर मनी. ठीक है. बट आफ्टर 50 यू विल गेट रिटायर्ड और मे बी तेरी एनर्जी कम हो जाएगी या मे बी दूसरे लोग रिप्लेस कर देंगे या टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी आ जाएगी. लाइक सब यू वोंट हैव दिस मच एनर्जी विच यू हैव टू डू, यू वोंट बी एबल टू हसल एट एज मच, राइट? सो यू स्टार्ट डिक्लाइनिंग एंड तू ऐसे डिक्लाइन नहीं होगा, तू ऐसे डिक्लाइन, राइट? तो तेरा ये पैसा, ये तेरा पैसा तू कमा ही नहीं पाए. तो 90 तक अब जो ये वाला पार्ट है, इधर सर्वाइव कैसे करेगा? बिकॉज 40 साल, लाइक दिस इज, you are only making 25, you are only earning for 25 years, but you have to sustain for 25 plus 40, you have to sustain for 65 years. Right? इसीलिए लोग बोलते हैं कि तुम इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो करे, ताकि 50 के बाद जब तुम्हारा टाइम चालू होता है, लेकिन आफ्टर 50 जब तुम नहीं कर सकते, तब तुम्हारा 50 टू 90, दिस 40 years, till the time you die, it should be very peaceful. अब अच्छा, when you don't have, जब तुम्हारे पास एनर्जी नहीं 50 के कमाने, तो तुमको पैसे कमाने, तो तुम कैसे कमाओ? अब यू नीड टू मेक श्योर दैट अदर पीपल आर वर्किंग फॉर यू एंड मेकिंग इट. सो यू नीड टू फाइंड, हाँ, लाइक यू नीड टू मेक श्योर कि दूसरे लोग जो तुझसे ज़्यादा स्मार्ट हैं या जो तेरे जैसे ही हैं, जो 25 ईयर ओल्ड हैं, वो तेरे लिए काम करें और तुझे पैसा बने. तो व्हाइल यू आर स्लीपिंग, इवन दो यू लाइक तेरे में कोई एनर्जी नहीं है, कुछ नहीं, तू सिर्फ सो रहा है, तो भी तू पैसे तेरे बैंक अकाउंट में बढ़ रहा है. तो वो कैसे होता है? दैट हैपेंस विद बिजनेस. पर अब इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को बिजनेस स्टार्ट करके अपने 10 लोग लगाने जो वो उनके लिए काम करें. वॉट दे कैन डू इज व्हाइल फ्रॉम द 25 टू 50 दे कैन पुट 5 रुपीज, 10 रुपीज, 100 रुपीज, 1000 रुपीज, 1 lakh रुपीज, 1 crore रुपीज, जितने जितनी इनकम है, वो थोड़ा थोड़ा दूसरों के बिजनेस में, जो स्मार्ट लोग हैं उनके बिजनेस में लगाते जा रहे हैं, ताकि जो 25 टू 50 ईयर्स तक ये हो जाता है, 50 के बाद उनके से इतनी इक्विटी हो जाती है कि ये स्मार्ट लोग या ग्रुप ऑफ वो पैसा कमाते जाते हैं, तो उनके कमाने से जो उनका प्रॉफिट बनता है, वो हिस्सा तुमको मिल जाता है बेस्ड ऑन द परसेंटेज यू होल्ड ऑफ दैट कंपनी. दिस इज द होल, this is, you understand, like this is why people buy stocks, this is why people buy equity. मतलब क्या है? कंपनी के तुम हिस्सेदार बन रहे हो ना, शेयर होल्डर बन रहे हो, कि वो कंपनी अगर 100 रुपए कमाती है, तुम्हारे पास 1% शेयर है, तो 1 रुपए तुमको मिलेगा उनके हर 100 रुपए में से. दिस इज हाउ यू मेक क्रिएट वेल्थ. सो द क्विकेस्ट वे टू मल्टीप्लाई योर मनी एंड क्रिएट वेल्थ इज टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, इज टू बी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस. बट you don't need to start a business, you can just buy a portion of an existing business so that the people in that business work for you. aisa kuch isko apan aise simplify kaise kare ki how do you make sure that you make money while you're sleeping, because that's the only way you can create wealth. True. That you can do only when there are other people working for you while you're sleeping. So अब उस सेंस में यू कैन ईदर मेक अ, यू कैन ईदर बिल्ड अ बिजनेस वेयर पीपल अलोंग विद यू आर वर्किंग ऑन समथिंग रियली बिग, सो दैट व्हाइल यू आर स्लीपिंग दे आर वर्किंग, दे आर स्लीपिंग यू आर वर्किंग. ओके. और इफ यू डोंट नीड टू गो थ्रू ऑल ऑफ दैट प्रोसेस,
you can find out smart people with smart companies having smart ideas working in a smart category and smartly invest them. बहुत ही बढ़िया लाइन थी जो स्मार्ट पीपल से पहले वाला एक डायलॉग था बस वो बोलो और वो स्मार्ट पे आ जाओ बस आई ये हम भूल गया था हां तो ये इसमें से निकाल ये अपने से ला क्विकेस्ट वे टू क्रिएट वेल्थ इज टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीपिंग हां बाय